भाई साहब आप अपने सवाल रखें। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता जी से है। इस बार मोदी जी ने कहा है हम 400 पार जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो लोकतंत्र में बिना आप, चलिए वो तो ठीक है उनकी बात है, आप भी अपने पार चले जाइए। सवाल पूछ, ऐसा क्या करोगे आप 400 पार जाके जो 10 साल में नहीं कर पाए? अगर 10 साल में एक प्रधानमंत्री काम नहीं कर पा रहा तो वो 400 सीट लेके क्या करेगा? दूसरा सवाल मेरा ये है, अभी बहन ने मेरी कहा बेटियां सुरक्षित है। चश्मा तुमने पहना हुआ यार, अपना देखो, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक दिख रही है, मैं उन्हें देख रहा हूं, मतलब सुरक्षित नहीं है। अंकिता को बीजेपी के नेता के बेटे ने हत्या करके मार दिया, कोई FIR नहीं है। सनातन धर्म में किसी भी लड़की का या किसी भी क्या नाम है आदमी का 5 बजे के बाद दाह संस्कार नहीं होता। 8 बजे वो लड़की फूंक दी, योगी जी इतना डर गए थे एक लाश से इतना डर गए। दूसरा सवाल आपसे, बहुत लंबा सवाल हो गया, बताओ भाई भी अपना मुद्दे वाला। मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप अपना सवाल पूछो, नेताजी बनो, पूछो उन लोगों से, नेता खड़े उनसे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस देश के प्रधानमंत्री को इस जनता ने 10 साल प्रचंड बहुमत देकर प्रधानमंत्री बनाए रखा, वो 10 साल बाद भी अपनी रैलियों में कांग्रेस का रोना रो रहे हैं, इससे दुर्भाग्य की बात कोई नहीं है। उन्हें जनता के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मुद्दे पे बात तो कर रहे हैं, 400 पार हो जाएगा, 400 पार नहीं है, उन्हें ये बताना चाहिए। दो लड़कों की जोड़ी फेल हो जा रही है, यही सब तो बोल, अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे रैली में बताना चाहिए। जी क्या कह रहे हैं सुनिए, योगी जी ने कठुआ में जाके जम्मू में कहा है आज अगर कोई उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करता है तो हम उसे उल्टा लटका देते हैं, अगर कोई नहीं समझता है तो उसे नीचे से मिर्ची का छौंक लगा देते हैं। और बहुत अभी देखिए, ये भाजपा झूठ की मशीन है। अभी अमित अरोड़ा जी ने या तो इन विचारों की जबान फिसल गई या इन्होंने जान करके कह दिया। अब्बास अंसारी की जगह इन्होंने अफजान अंसारी को माफिया बताने का काम। कोई बात नहीं, लड़की का लकड़ी की जगह लड़की का, प्रधानमंत्री जी लकड़ी की जगह लड़की कहा जाए, प्रधानमंत्री उनकी जबान पिछल गई, देश के प्रधानमंत्री की जबान पिछल गई, लकड़ी कहना था लड़की कहा जाए। ये मुखालिफ वतन के वतन बेच देंगे, ये मुखालिफ वतन के वतन बेच देंगे, ये बागों में जाके चमन बेच देंगे। सावधान रहना भाजपा से, ये बाग ये मरगढ़ में जाके कफन बेच देंगे। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पर रोप पड़े, राहुल अकेला जुगनू है उसके चिल्लाने से क्या होगा। क्या होगा भाई बताओ, ये इतना प्रहार हो रहा है आपके प्रधान, शायरा नहीं है जो ये भाई साहब बार बार ये कर रहे हैं। और एक बात, ये महिला को बोलने तक नहीं दे रहे, ये आरक्षण देंगे महिला को। और मेरे भाई ने कहा कि हम वो बम है जो फूस हो जाते हैं, अरे हम तो बुलडोजर है उखाड़ के फेंक देते हैं। और एक और बात, ये पूरी पार्टियों से, सारी पार्टियों से मैं कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि इनकी लड़ाई आपस में क्यों नहीं है, इनकी क्योंकि लड़ाई बेईमान है सारे के सारे, इनकी लड़ाई बेईमानों की ईमानदार से। और एकमात्र ईमानदार मोदी जी है जिन्होंने जनता के बारे में सोचा और जनता के बारे में आए। और जो बार बार आ रहे हैं हमसे, क्या परिवार से मिलने भी नहीं आएगा क्या नेता? अगर नेता मिलने आया है परिवार से तो क्या बुरा है? मैं कहना चाहूंगी राम के हम वंशज है, गीता हमारी गाथा है और छाती ठोक कर कहते हैं भारत हमारी माता है, जय श्री राम। मैं ये कहना चाहूंगी जो ये कहते हैं कि बेरोजगार है सारे, क्या पहले इनके बच्चे कलेक्टर मजिस्ट्रेट थे कलेक्टर थे जो आज बेरोजगार बता रहे हैं? रहे महिलाओं की बात, पहले महिलाओं के कितने रेप होते थे, कितने होते, कहते बच्चा है गलती कर जाता है, ऐसे गलती करता है, डरे हुए ये सब भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर से डरे हुए ये सब नेतागिरी करते हैं सारे के सारे। और महिलाओं के खिलाफ जितने अत्याचार सपा बसपा में हुए, इतने अत्याचार कभी किसी से नहीं हुए, आज हम सुरक्षित हैं, आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि मोदी जी हमारे हैं। रही 400 पार के नारे के साथ, 400 पार के नारे का जवाब दूंगी मैं, मोदी जी ने सबके दिलों में निवास किया है। ये जो गठबंधन की बारात ले घूमते हैं, इन्हें पहले ये पूछो इनका दूल्हा कौन है, इन पे तो दूल्हा ही नहीं है। दूल्हा खोज लेंगे, आपको क्या दर्द है? अभी तो लड़ाई दूल्हे की लड़ लो पहले, फिर चुनाव लड़ लेना, पहले दूल्हा तय कर लो आपस में दूल्हा कौन है। चलो भाई, ये दूल्हा पूछ रहे हैं नौजवान, बताओ ये राहुल गांधी है तो हमारे पास में, राहुल गांधी है दूल्हा, राहुल गांधी है। और अखिलेश यादव से कहलवा दीजिए। सुनो मैडम, जो कह रही थी ना सारी भ्रष्टाचारी पार्टी है, अब आप मुझे बताओ महाराष्ट्र में क्या हुआ? पहले तो आरोप लगाए, फिर अपनी पार्टी में ले लिया इन्होंने,
फिर सारे आरोप खारिज कर दिए इन्होंने। इंडिया गठबंधन से कहलवा देगा राहुल गांधी दूल्हा, ये कह रहे इंडिया गठबंधन से कहलवा दो कि राहुल गांधी दूल्हा। वो तो कह रहे कहेंगे सारे। पहले एक बात तो बताइए, मैडम कह रही है बहन जी, इंडिया गठबंधन खुले मंच पर आकर कह देंगे राहुल गांधी को नेता मानते वो लोग उसके अंडर में काम। भैया पप्पू कभी दूल्हा नहीं बन सकता, 4 जून को पता चल जाएगा दूल्हा कौन है। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि ईमानदार पार्टी है, मेरा कहना सिर्फ ये है जो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर इतना बड़ा घोटाला खुला है क्या इसकी जांच होगी? होगी पूरी जांच होगी। साहब मेरा सवाल भाजपा से है, 2014 में आए थे तेल के दाम कम करने, 35 से 100 पार हो गया तेल, रोजगार देने आए थे, रोजगार है कहाँ? चीन को आग दिखाने आए थे, चीन अंदर घुस आया। मेरा सवाल भाजपा से है, जवाब लेके आओ। चलो ये कह रहे हैं, चलो अब नेताजी बताओ आप बताओ, इतना सवाल इतना जवाब कैसे दे पाएंगे, सारा बौछार आपके ऊपर। अब थोड़ा समय दीजिएगा। और ये बंदूर सवाल उठा रहे थे, जब जिस संजीदगी से सवाल उठाया उस संजीदगी से उत्तर भी समझे सुन लेंगे। इन्होंने कहा कि 400 पार करके क्या करेंगे, अभी हमने 400 से कम हमारा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से उठाकर 5वें स्थान तक ले आए। किसान सम्मान निधि में 11.8 करोड़ किसानों को हर साल सम्मान निधि देते हैं। बहुत काम कर दिया आपने, बताइए मैडम ये तो कह रहे हैं, बताइए पकड़ने की जरूरत। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मुझे भी वक्त दीजिएगा। 400 पार इन्होंने, इनके सांसद ने कहा है 400 पार लाएंगे, संविधान को हटाएंगे। ये लोग संविधान हटाने का काम कर रहे हैं, पीडीए का काम कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और जो मेरी बहन है अभी कह रही थी ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, ट्रेलर। हाँ ये सच बीजेपी को मैं मुंह खोल के कह सकती हूँ कि हाँ इन्होंने मणिपुर में ट्रेलर दिखाया था। इन सभी महिलाओं ने, इन सभी पुरुषों ने, इस शहर के सभी बच्चों ने, हिंदुस्तान के सभी लोगों ने मोबाइल में नग्न अवस्थाओं में लड़कियों को देखा था, लेकिन बीजेपी सरकार में ना मोदी ने ना योगी ने। संदेश खाली भी पूछ लेते हैं। मैं इसके अलावा और भी बोल सकती हूँ, इसके अलावा मैं और भी कह सकती हूँ, महिलाओं के लिए, महिलाओं से पूछती हूँ, जब वो बेटियाँ हमारे लिए देश के लिए प्राइज लाई थी, आप सबने उनको बेटियाँ कहा था। सुन लो महिलाएं जितनी है सुन लिए, समाजवादी पार्टी की नेता पूछ रही है आप लोगों से सवाल। मैं आप सबसे ये पूछती हूँ, आपकी भी बेटियाँ हैं, मेरी भी बेटियाँ हैं, कल को अगर किसी की बेटी के साथ ये होता है तो आप क्या, जो दिल्ली में लड़कियां बैठी थी उनको मार पीट के घसीट के उन लोगों ने अपने प्राइज बिचारियों ने नदियों में डाले, क्या आपकी बेटियों के साथ कल को ये होगा तो आप सही कहेंगे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।